वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे जो कि जिन्होंने की, वही ना। अब इंडिया ने क्या बोला है कि जहां पर भी हमारे इंडियंस फंसे हो उनके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम करेंगे। ये जयशंकर जी ने लाइव बोला है, लाइव आज उन्होंने ये बात बोली, और उन्होंने बोला कि हमारी बात सुन चल रही है ईरान से, उनको 100% हमारे 17 बंदों को छोड़ना पड़ेगा, डिटेन किया बगैर, पूछताछ किए बगैर। भाई उन्होंने भी गलत किया ना, वो जो शिप जा रहा था ट्रेड वाला उनको पकड़ लिया, उसको क्या कसूर है, तुम ये तो हर जहाज गुजरेगा तुम पकड़ लोगे, वही ये चीजें गलत है। इसी तरह फिर मार्कोस कमांडो समुद्र में घुसे, तुम्हारे कमांडो आते हैं, तुम्हारे कमांडो तो नाम के हैं भाई, उधर से मार्कोस कमांडो ठोक के निकल जाते, तुम लोग फिर कल को बोलोगे इंडिया ने भाई हमारे कमांडो ठोक दिए। उनका तो नहीं पता चलता, वो अंधेरे में आए रोशनी में उनका नहीं पता चलता, वो ऐसे आते हैं जैसे फिर बिजली होती है। इससे अलग कैसे एक बात? हाँ, बात तो सही है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सोमालियन पायरेट्स? ट्रेड वाले जहाज पाकिस्तान के लिए इतनी परेशान होने की बात है, जब कल खबर सामने आई। तुम जिस एरिया में हो वहाँ पे मार्कोस, इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सबने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। इंडियन नेवी जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, ईरान के कमांडोज को ठोक देती है। मार्कोस है, मार्कोस कब आएंगे तब पता नहीं लगेगा, कब जाएंगे तब पता नहीं लगेगा। यार भाई बिल्कुल सही, ऐसे कुछ काले कपड़े वाले धुंध में निकलते हैं और धुंध में आके काम करके निकलते हैं। ये बात तो ठीक है मेजर साहब, फिर तुम बोलोगे इंडिया ने ये कर दिया। ये तो बड़े यार, तुमने इंडिया को इसराइल ने ईरानी हमले पर जयशंकर जी ने ऐलान कर दिया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्दअमल देने का इख्तियार दे दिया है। देखिए जाहिर है अब एक तरफ से ईरान को इजराइल ठोके और एक तरफ इंडिया भी जवाबी वार कर सकता है, ऐसे में क्या खत्ते में जो है वो जंग छिड़ सकती है। 17 इंडियंस को बचाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंडियंस किसी मुल्क में फंसे हो हमेशा इंडिया जो है वो मदद करता है अपने लोगों की, उन्हें वहाँ से बचा कर लाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन तथा इसके बाद मध्य पूर्व में पैदा हुए हालात से दुनिया भर में अस्थिरता की स्थिति है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है, भारत ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले इजरायली जहाज में सवार भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई थी। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के तुरंत बाद ईरान ने कहा कि वह भारतीय अधिकारियों को इजरायल से जुड़े जहाज MSC अरीस को जब्त करने के बाद हिरासत में लिए गए भारतीय चालक दल के सदस्यों को मिलने की अनुमति देगा। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में ईरान के अपने समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाइन से बात की थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसका असर पाकिस्तान पर भी हो सकता है, क्योंकि ईरान की सरहद पाकिस्तान से मिलती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर। इसी दौरान ईरान ने एक इसराइली जहाज कैप्चर कर लिया है जिसमें 17 इंडियन भी मौजूद हैं। तो क्या इंडियन नेवी या फिर इंडिया अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, कोई इकदाम उठाएगी, ईरान के साथ बातचीत करेगी? इस सारे मामले पर पाकिस्तानी आवाम का क्या रद्दअमल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब ये जरूर जान लें कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाजों को रेस्क्यू किया। इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इसराइली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, कोई यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहां से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। दीदी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है।
तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है, यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और बहुत बड़ी तजारत है और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तजारत है। कार्रवाई करेंगे वो करेंगे जो कि चीन ने की। वही ना, अब इंडिया ने क्या बोला है कि जहाँ पर भी हमारे इंडियंस फंसे हों उनके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम करेंगे। ये जयशंकर जी ने लाइव बोला, लाइव आज उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने बोला कि हमारी बात सुन चल रही है ईरान से, उनको 100% हमारे 17 बंदों को छोड़ना पड़ेगा, डिटेन किया बगैर, पूछताछ किए बगैर। भाई उन्होंने भी गलत किया ना, वो शिप जा रहा था ट्रेड वाला उनको पकड़ लिया। तो क्या ये तो जहाज गुजरे का तुम पकड़ लोगे, चीजें गलत है। इसी तरह फिर मार्कोस कमांडो समुद्र में घुसे, तुम्हारे कमांडो आते हैं, तुम्हारे कमांडो तो नाम के हैं भाई, उधर से मार्कोस कमांडो ठोक के निकल जाते, तुम लोग फिर कल को बोलोगे इंडिया ने भाई हमारे कमांडो ठोक दिए। उनका तो नहीं पता चलता, वो अंधेरे में आए रोशनी में उनका नहीं पता चलता, वो ऐसे आते हैं जैसे फिर बिजली होती है, ये पता है। इसी तरह निकल जाते भाई समुंदर के अंदर, भाई जो ठोका है जो पता नहीं होती, वो जो ठोका है वो पता है ना तुमको, पूरी दुनिया को पता है, नंगा करके ठोका है कसम से उनको। हाँ वो नंगा करके बैठाया हुआ था भाई, याद है, याद है। ऐसे ही फिर हार ईरान को होगा, सारी बातें करना छोड़ा। और मैं कहता हूँ ईरान औरों को तो धमकियां देता है, एक दफा मतलब इंडिया से रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर उसे बंदे भारत के ना सतना छोड़े तो भारत फिर कार्रवाई करेगा, बिल्कुल कार्रवाई करेगा। और भाई मैं कहता हूँ कि ईरान एक दफा जरा भारत को धमकी दे, ये तो 17 बंदे इंडिया का एक बंदा भी कितना पैसा हो आंखें उस मुल्क में डाल के उसके बाद कहता बोलता मेरे बंदे को छोड़। यार ये देखो एक बंदा भी फंसा, ये तो 17 है, अपने 7 बंदों को कैसे निकलवाया अपने आर्मी के सोल्जर। और अब यहाँ पर ये मसला, उनके मौत के फंदे डले हुए थे वजात कतर में, फंदे छुड़वाए खुदा के बंदे। एक मैं एक बात करूँ, हलक में आ गया होगा भाई साहब इसका भी, कतर का ईरान का भाई, इंडिया ने ये मैंने क्या गलती कर दी है, और इंडिया ने हमें बोला है इनको छोड़ो बगैर डिटेन किए बगैर नहीं, सुबह तक इंडिया में होंगे ये 24 घंटों के अंदर। सही आपने बोला, ये बिल्कुल आपने एकदम करेक्ट बात की है। और इस टाइम ईरान मैं कहता हूँ कि इस सिचुएशन में भारत से पंगा, अगर उसने भारत से पंगा लिया भारत उसको सेकंड में बर्बाद, बिल्कुल। इन तीन चार सालों में देख इनके अंदर फंसा हुआ था, एक थे 500 थे 200 थे, कैसे छुड़वाया यार। देखो हमारे पाकिस्तानी अगर फंसे हुए हो तो उनको पूछता नहीं है, लेकिन इंडिया का नागरिक देखो आज 17 पकड़े गए तो भाई उसी टाइम जो शंकर जी यार ये भाई तुमने पकड़ा क्यों है इनको, बिल्कुल। और आज इंडिया मोदी जी की हुकूमत है, वजह मोदी जी का हिंदुस्तान है। और आप खुद सोचो कि आज बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आज देखो इंडियन को क्या कह रहा है कि भाई तुम में और अयोध्या में फर्क ही क्या है। बोला तो सही है ना, क्यों होती भी पकड़ते हैं ये, फिर होते ही हुए ना ईरानी, ये सपोर्ट करने वाले वही ना, तो ये करते भी हैं। और इन्होंने वही काम किया, वही काम किया। फिर इंडिया वही कह रहा है ना कि अगर तुमने ना इंसान के बच्चे बने तो हम ठीक है, सही बात की है। तो यार भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, जो इंडिया ने डायरेक्टली भाई ईरान को भाई चेतावनी दे दी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.